हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मुरमुरे की एक बहुत ही डिलीशियस एंड यम्मी सी रेसिपी, जो कि आप पहली बार इस रेसिपी को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, तो आज की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोल में लिया हुआ है पानी, और पानी में मैं यहाँ पर ऐड करी हूँ 2 कप मुरमुरे। तो 2 कप मुरमुरे को मैं इस तरीके से अच्छे से भिंगो दूंगी, यानी कि इसे एक बार वॉश कर लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि मुरमुरे जो है वो पानी में ऊपर तैरते रहते हैं। तो आपको इसे हाथों की हेल्प से अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि सभी मुरमुरे जो है वो गीले हो जाएं। तो बस अभी जो है हम इसे निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। तो बस मैंने इसे 2 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दिया था, और इसका सारा पानी जो है उसे स्क्वीज कर देंगे, और उसके बाद हम सभी मुरमुरों को निकाल लेंगे। इस तरीके से मैंने सभी मुरमुरे अलग निकाल लिए हैं, और अब हम करेंगे मिक्सर ग्राइंडर में उसे ग्राइंड। तो मैं यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर की हेल्प से यहाँ पर सभी मुरमुरों को ग्राइंड कर लूँगी, और इस तरीके से मैंने मुरमुरे को मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लिया है। देन मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सूजी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी को भिगो करके रख दिया था, और उसे मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो 1 कप सूजी मैंने यहाँ पर लिया हुआ था, तो उसे मैंने ऐड कर दिया है, और इसमें 1/4 कप मैं पानी ऐड कर रही हूँ। और पानी ऐड करने के बाद हम इसे कर लेंगे ग्राइंड। तो बस ये जो है ग्राइंड हो चुका है, तो अब मैं इसे थोड़ा सा और पतला करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी मुझे थिक लग रहा था। तो मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और बस इन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार, और थोड़ी देर के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे, ताकि ये जो है थोड़ा सा सेट हो जाए। और मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ग्रीन चिली और प्याज, इन सभी चीज़ों को बारीक कट कर लिया है, हरी धनिया पत्ती और गाजर लिया है, उसे कद्दूकस कर लिया है। तो इन सभी चीज़ों को डाल करके हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि एक बैटर तैयार हो जाए, जिससे कि हम अपनी डिश बनाने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर बहुत ही पतला बैटर नहीं चाहिए, थिक बैटर ही चाहिए। और ये 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाल दिया है चाट मसाला, स्वादानुसार मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है नमक, और थोड़ी सी धनिया पत्ती और डाल करके मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऐड किया हुआ है बेकिंग सोडा, तो 1/4 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर यूज़ किया हुआ है, और इन सभी चीज़ों को मिला दिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है अप्पे पैन। अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है, तो आप इसे नॉनस्टिक की तवे पे भी बना सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल करके यहाँ पर डाल दिया है मस्टर्ड सीड, और जो हमने स्टफिंग बैटर बना करके तैयार किया हुआ था, उसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। आप जितना भी यहाँ पर डालना चाहें, इसके सांचे के अनुसार यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 1-1 चम्मच मैं बैटर को यहाँ पर ऐड कर दूँगी, और उसके बाद हमें फ्लेम को कर देना है लो, और लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से कुक होने देंगे। तो सभी चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ पर सभी खांचों में इसे भर दिया है, और अब इसे हम लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे, और 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तो अभी हम चेक करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो अप्पे है वो बन करके रेडी हुए हैं या नहीं। और ऊपर से मैंने एक बार और ऑयल जो है उसे स्प्रिंकल कर दिया है, और स्पून की हेल्प से हम यहाँ पर इसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो मुझे है थोड़ा सा कसर लग रहा था इसमें, तो मैंने इसे फिर से कवर कर दिया था, और चलिए अभी इसे निकालते हैं। ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है, पर ये बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार होते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर और मिडिल सेक्शन में ये जो है फ्लेम बहुत ज़्यादा लगती है, तो इस पर ध्यान देना है आपको कि मिडिल में आप बहुत ही लास्ट में यहाँ पर बैटर को फिल करें, ताकि जो है साइड के कंपैरिजन में मिडिल वाला भी अच्छी तरीके से कुक हो जाए, वरना मिडिल में जो है वो बहुत ही जल्दी डार्क हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने सभी अप्पों को बना करके तैयार कर लिया है 2 बैचेस में। तो फटाफट से बनने वाली ये आसान सी रेसिपी जो है बन करके रेडी हो चुकी है। तो इस रेसिपी को ट्राई करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।